हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ से प्रचंड बहुमत से अपनी जीत हासिल की है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, कैसा लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी? बहुत अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, योगी मोदी जिंदाबाद। कैसा लग रहा है? 2024 राजी से जीत ली है, 2024 भी आपसे जीत ली है। 2024 का जो है इनका कहना है कि 2024 का इन्होंने फ्यूचर आज ही देख लिया, पूर्ण बहुमत से और भी बहुत बहुमत से जीतेगी। पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ से जीत हुई है आपकी लखनऊ से, और उत्तर प्रदेश के लगभग जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी लेकर गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये एक ऐतिहासिक जीत है और 2024 का फाइनल है। 2024 का रिजल्ट जो है वो इसी निकाय चुनाव के रिजल्ट में देखा, चुनाव में आ गया है 2024 का रिजल्ट, और हम पूर्ण बहुमत से भी कहीं अधिक वोटों से विजयी होंगे 2024 में, और सब बाबा के सीएम चेहरे का ही प्रभाव। देखिए तो इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसकी यहाँ पर जीत हासिल हुई है, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से जीती है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है, प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है 24 का जो है रिजल्ट दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, वो तो पब्लिक ही दिखा रही है, इसे कोई चलते आगे 24 का रिजल्ट और आगे भी जीत होगी, आगे भी जो है वो जीत होती रहेगी। कटो की जीत हुई आज, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या खुश रहेंगे, मुद्दे क्या खुश रहेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि 24 की रिस्ट आज चुनाव जीते हैं और कल के बाद हम लोग फिर भारतीय जनता पार्टी के और जनता के कामों में लग जाएंगे। हम निरंतर चलने वाले लोगों में हैं, हम विश्राम करने वाले लोगों में नहीं हैं, यही कारण है कि जनता बार बार हम लोगों को चुनती है। कुछ लोगों का कहना है कि 24 का रिजल्ट अभी देखने के लिए मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। आप कैसे 24 का रिजल्ट तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो हवाएं चल रही हैं होंगी कि हवाओं की गति क्या है, तो जब हवाओं की गति दिखाई पड़ रही है 24 व्यक्ति को और अनगिनत भाजपा के कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय जाता है, साथ ही उन असंख्य सफाई कर्मचारी मित्रों को भी जाता है जिन्होंने पिछले साल सवा साल से मैं देख रहा हूं कि गर्मी सर्दी की चिंता किए बिना, बरसात की चिंता किए बिना सुबह 5 बजे 4 बजे से उठ करके जिन्होंने झाड़ू लगाया, गली कूचे जिन्होंने साफ रखे, नालियों को साफ रखा, उससे प्रभावित होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के सुशासन से प्रभावित होकर के माननीय योगी जी के हमारे मुख्यमंत्री जी के अच्छे कार्यों से प्रभावित होकर, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताया है। ऑब्वियसली उनकी अपेक्षाएं हैं, जनता की उम्मीदें भी हैं हमारे विभाग से, हमारे कर्मचारियों से, हम उन उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरेंगे। जिस प्रकार सर आप लगातार कह रहे थे जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम उनकी उम्मीदों पे खरा। सर आप लगातार कह रहे थे ट्रिपल इंजन की सरकार जनता से अपील कर रहे थे, अब बन गई है ट्रिपल इंजन की सरकार में। सच बात है, मैं ये सब मैं ही लाया था और वो सब जनता ने स्वीकार किया, मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, हमारे नेतृत्व ने भी स्वीकार किया था उस शब्द को, इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये बात भी सच है कि केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार, राज्य में माननीय योगी जी की सरकार भाजपा की, और जब तक हम निकायों में वही सरकार नहीं बनाते हैं, वही लोग नहीं बैठते हैं, तब तक सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन नहीं स्थापित हो पाता है। इसीलिए मेरा आग्रह था कि ज़्यादा से ज़्यादा निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार बने और जनता ने वो बना। प्रदेश की जनता ने, विशेष रूप से नगर निकायों में रहने वाली जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को के परिश्रम को का सम्मान करते हुए हमारे सर 17 के जो 17 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर जीत हासिल की है। तो भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया है, बहुत पुरुषार्थ दिखाया है, बहुत परिश्रम किया है इस चुनाव के लिए। उनका नेतृत्व करने वाले मैं प्रदेश के अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को, और विशेष रूप से अपने माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को
मैं खूब खूब साधुवाद, बधाई, अभिनंदन और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा इस चुनाव में नेतृत्व किया, कुशल नेतृत्व किया, हमको मार्गदर्शन दिया, हमको राह दिखाई, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि 2017 की अपेक्षा भी हमने 2 से 3 गुना, 2.5 गुना सीटें हासिल की हैं। निगमों में तो, नगर निगमों में तो 100% हमने सीटें हासिल की हैं। जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोकसभा के 24 के चुनाव का नगर विकास, लोकसभा 24 का सीधा सीधा असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा और लोकसभा चुनाव में इससे भी बेहतर परिणाम आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है, इसमें पूरे प्रदेश में उत्साह है, सारे लोगों को प्रसन्नता है, बहुत अच्छा लग रहा है। 17 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी लेकर के गई है, इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज ये है कि ये इस चुनाव को बताया गया था कि ये लोकसभा का सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में 100% जीत के ये साबित कर दिया कि भविष्य में जो 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे इसमें 80 भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। यानी जो लोकसभा का चुनाव है उसका रिजल्ट अभी 2023 के निकाय चुनाव के रिजल्ट में दिखने लगा है? बिल्कुल दिखने लगा है, साफ दिखने लगा है, क्योंकि एक बड़े से अंतर से जीते हैं लोग, कि 17 सीटें एक बड़े अंतर के साथ में जीती हैं, तो इसलिए ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के विकास कार्यों की जीत है, कानून व्यवस्था की जीत है और इसमें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था उसका भी साथ दिया जनता ने। और इस जीत से एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार जो है ट्रिपल इंजन की सरकार का बात कहते हैं, ये देखने के लिए मिल गया इसमें? हाँ, ये जनता ने बिल्कुल इसको एहसास करा दिया है। ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी इसलिए कहती थी कि अगर निकायों में भाजपा का मेयर रहेगा, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार जो है बहुत बेहतर काम करेगी, जनता का काम होगा, विकास होगा, जनता के सारे काम होंगे, जनता को और उत्तर प्रदेश और विकास की ऊंचाइयों में जाएगा। नहीं, याद है कि अगर माननीय योगी जी चीफ मिनिस्टर ना होते तो ये उत्तर प्रदेश फिर बिहार की तरह जंगल राज बन जाता बिल्कुल पूरी तरह से। तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कानून व्यवस्था की जीत है, बुलडोजर बाबा की जीत है। देखिए, तो लोगों का कहना है कि न सिर्फ सर, क्या नाम है? दिलीप साहू नाम है मेरा। भारतीय जनता पार्टी की जीत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब कि मोदी और योगी की जीत है, मोदी और योगी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की जो बात कही जा रही है वो आज सच हो गई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब ये कि मतलब कि जहाँ मतलब गलियों तक हमारा विकास होगा हर जगह। 23 का जो नगर निकाय का चुनाव का रिजल्ट है, ये 24 के रिजल्ट पे, 24 का जो लोकसभा चुनाव होगा उस पे देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा देखने को। 24 में जिस तरीके से हम यहाँ पर नगर निगम के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीते हैं, उसी प्रकार से 24 के चुनाव में भी हम जो है प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैम, कैसा लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ 17 के 17 सीटें ले गई? मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात की, क्योंकि मैं पार्टी से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई, मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ पार्टी की और हमने बहुत जी जान से मेहनत किया और जिन जिन वार्डों में काम किया वो सारे वार्ड के लोग जीते, पार्षद बने और हमारी मेयर जो है हमारी दीदी सुषमा खरकवाल, वो मेरी पड़ोसी हैं, वो भी सैनिक की पत्नी है, मैं भी सैनिक की पत्नी हूँ, हम सभी ने जी जान लगा के रात दिन एक करके उनको जो है जिताने का काम किया है और वो जीती हैं। ये सारे मेयर सीट आने जीते, इससे बड़ा हमारे लिए खुशी की कोई बात नहीं होगी। और 24 का जो आपने अभी सवाल पिछले भाई साहब से हमारे पूछा, तो 24 पे तो पहले से ही चप्पा चप्पा भाजपा, तो हमारा तो कहीं मतलब कुछ कटने वाला नाम ही नहीं आ रहा, कोई और कहीं हमें दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है। तो पूरी तरीके से भाजपा भगवामय कर दी है पूरे उत्तर प्रदेश को, किसी के लिए कहीं कोई जगह छोड़ा ही नहीं है। मैं बस इतना कहूंगी कि राजनीति का मतलब ही यही होता है कि आखिरी दम तक हाथ हार न मारो, ठीक है? उन्होंने भी हार नहीं माना क्योंकि वो लोग राजनीतिक पार्टी से हैं, तो उन्होंने आखिरी दम तक
अपने हौसले को बुलंद रखा, अपने कार्यकर्ताओं के जो आसरा था उसको टूटने नहीं दिया। तो एक राजनीतिक पार्टी का ये हथकंडा होता है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदेशा था कि हमारे हाथ कुछ लगना नहीं है, जो भी है वो भाजपा का ही होगा। जनता ने बहुत साल कुशासन को सहा है, अब जो है इस उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छा शासन, अच्छा शासक मिला है, तो जनता उसको खोना नहीं चाहती है। इसलिए नगर निगम से लेकर के प्रधानमंत्री तक हमारे ही पार्टी के हैं, और अब इसको 30-40 साल तक तो कोई सरकार हिला नहीं पाएगी। यह तो मैं तो बोलूंगी कि शायद हम लोग का जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, लेकिन भाजपा समाप्त नहीं होगी। जय हिंद। जय जनता का क्या मूवमेंट है यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बताया कि आगे जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024 का, उसकी भी तैयारियां और उसका जो रिजल्ट है वो 2023 के निकाय चुनाव में दिखने लगा है। ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, तब तक ले जुड़े रहिए इंडिया टुडे के साथ।